स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं UPSSC ITI इंस्ट्रक्टर 2406 पदों के बारे में। तो आज ITI इंस्ट्रक्टर 2406 पदों की जो DB थी वो समाप्त हो चुकी है। तो DB के बाद अब फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार, तो कब तक जारी हो सकता है फाइनल रिजल्ट? तो हाँ दोस्तों, आखिरकार आपका जो लंबे समय से DB चल रही थी वो समाप्त हुई और उसके बाद अब अभ्यर्थियों को अपने फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार है। तो आप देख ही रहे होंगे कि आयोग पर लगातार दबाव बन रहा है अभ्यर्थियों का कि जो भी पेंडिंग एग्ज़ाम हैं, उन जो भी आपके मुख्य एग्ज़ाम है पेट 2022 और 23 से, तो पेट 2022 के एग्ज़ाम आयोग कराए और उसके साथ ही साथ जितने भी पेंडिंग फाइनल रिजल्ट है वो आयोग जारी करे। तो जिनमें ITI इंस्ट्रक्टर 2406 पदों का जो DB समाप्त हुआ है, अब इस पे फाइनल रिजल्ट पे काम शुरू होगा और ये आपका फाइनल रिजल्ट आपको नवंबर में देखने को मिलेगा। तो नवंबर में संभावना है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आयोग जारी कर देगा। तो आप देख ही रहे हैं, क्योंकि आयोग के आज जो सचिव थे उनके द्वारा जो बयान दिया गया कि जो पेट 2022 के एग्ज़ाम हैं, पेट 2022 से जो मुख्य परीक्षाएं होनी हैं, तो उनका युद्ध स्तर से काम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और जल्द से जल्द आपका जो है जो एग्ज़ाम है वो करा लिए जाएंगे। लेकिन आपको पता होगा कि आज एक और नोटिस जारी, एक नोटिस के द्वारा पता चला कि आयोग ने जो परीक्षा एजेंसी के लिए चयन के लिए प्रक्रिया थी, तो उसमें कोई भी किसी भी एजेंसी का चयन नहीं किया गया है, तो उसको निरस्त कर दिया गया है। तो निविदा निरस्त हो गई है, तो फिर से जो परीक्षा एजेंसी होगी उसका चयन होगा और उसके बाद आपका पेट 2022 से संबंधित जो एग्ज़ाम होंगे। तो उसके बाद आपके फाइनल रिजल्ट के बारे में बात करें अगर, तो फाइनल रिजल्ट में भी आपका मान के चलिए कि नवंबर तक ही आपका फाइनल रिजल्ट आयोग जारी कर सकता है, उससे पहले कोई उम्मीद नहीं है। अक्टूबर तक कहा गया था अध्यक्ष के द्वारा कि जो भी पेंडिंग फाइनल रिजल्ट है अक्टूबर तक आ जाएंगे, लेकिन अक्टूबर तक अब संभावना बिल्कुल नहीं लग रही है। अब आपके ये नवंबर लास्ट तक ही जो फाइनल रिजल्ट है वो जा सकता है। तो अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा आपके अपने फाइनल रिजल्ट का। और वह अभ्यर्थी जिनको टाइम मिला था 10 दिन के लिए, और वो उन अभ्यर्थियों का जिनका प्रोविजनल है, तो वो अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स में कमी रही हो अपना 10 दिन के अंदर जमा कर दें, नहीं तो फिर आपको फाइनल जो मेरिट बनेगी उससे आपको बाहर किया जा सकता है। तो 10 दिन के अंदर अपना जो भी आपका हो वो आप सबमिट कर दीजिएगा। तो ITI इंस्ट्रक्टर 2406 पदों के सापेक्ष अगर कोई भी मुझे जानकारी मिलेगी लेटेस्ट और, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। लेकिन अब आप अक्टूबर नहीं, अब आप नवंबर लेकर चलिए कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो नवंबर में ही आने की उम्मीद है। तो ये कुछ जानकारी थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।